नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिगो पेंट आईपीओ, होम फाइनेंस आईपीओ के बारे में, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के बारे में, साथ ही साथ और सारे कंपनी है जिसके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आए और रिजल्ट काफी बेहतरीन है, जिसमें से हो गया फेडरल बैंक, हिंदुस्तान जिंक, नेटवर्क 18, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा स्टील, ICICI लोम्बार्ड और साथ ही साथ सीएटी सीट का भी जो रिजल्ट है काफ़ी बेहतरीन है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर आप जानने मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप इन सभी के रिजल्ट को देखना चाहते हैं कितना आया, तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल सक्सेस प्लेस को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको जितने भी क्वार्टर होते हैं, एनुअल रिपोर्ट हो, सारा चीज़ हमारे चैनल पर मिलते रहता है, तो आप चैनल से जरूर जुड़ जाइए। सबसे पहले इंडिगो पेंट आईपीओ कल 20 जनवरी को ओपन होने वाला है, तो इंडिगो पेंट आईपीओ में जरूर अप्लाई करें अगर आपको लिस्टिंग गेन लेना है या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफ़ी बेहतरीन है। दोस्तों बता दें, हमने कई सारी आईपीओ में अप्लाई किया लेकिन आईपीओ हमें अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट होता है, इसलिए आप जितने नाम से चाहें अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने फैमिली मेम्बर के नाम से अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है किन्हीं के नाम से आपको अलॉटमेंट मिल जाए। तो आप डिस्क्रिप्शन देंगे लिंक से जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एंजल में कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करने में दिक्कत हो रही है तो कल वीडियो आ जाएगा कि आप एंजल में कैसे अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ और जीरोधा में आईपीओ के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इंडिगो पेंट आईपीओ इसका जो प्राइस होगा वो होगा 1488 रुपीज, 1488 रुपये, 1490 रुपये, ऐसे आप कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करें, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन होगा, तो आपको कट ऑफ प्राइस पे ही आईपीओ मिलेगा, इसलिए कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई कीजिएगा, नीचे के प्राइस पे अप्लाई कभी भी मत कीजिएगा। तो ये 20 जनवरी को ओपन होगा कल से, और 22 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और कम से कम जो अमाउंट का जरूरत पड़ेगा आपको 15,000 का, मतलब आप 10 लॉट का शेयर है तो 1488 रुपया पे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना अमाउंट आपको चाहिए। टोटल जो आईपीओ का सब्सक्रिप्शन है, मतलब आईपीओ का जो इश्यू साइज है वो है 1176 करोड़ का, ये आईपीओ है। तो कल से आईपीओ होने अब ओपन हो रहा है, तो अप्लाई कर सकते हैं। इंडिगो पेंट आईपीओ के अगर ग्रे मार्केट प्राइस की बात करें तो अभी 50% से ऊपर चल रहा है ग्रे मार्केट प्राइस, जो कि लिस्टिंग होते तक 100% तक भी जा सकता है ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है, तो आपको 100% तक का लिस्टिंग गेन इसमें मिल सकता है, तो आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, काफी बेहतरीन आईपीओ है। दूसरा है होम फर्स्ट फाइनेंस आईपीओ, ये भी काफी बेहतरीन आईपीओ है। इसका जो शेयर का प्राइस है, मतलब जो इश्यू का जो प्राइस है वो है 517 रुपीज, और इसका जो टोटल इश्यू साइज है वो 1153 करोड़ का, और ये 21 जनवरी से ओपन हो रहा है, 21 जनवरी से ओपन होगा और 25 जनवरी तक आप अप्लाई करते हैं, तो एक लंबा टाइम है इसमें, क्योंकि बीच में जो आपका आएगा वो सैटरडे और संडे आएगा, इसलिए इसमें आपको लंबा समय दिया गया है, तो आप इसके लिए भी चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। तो कल के बाद ये भी आईपीओ ओपन हो जाएगा, तो इसका डिटेल वीडियो कल मैं लाऊंगा कि होम फाइनेंस फर्स्ट आईपीओ जो है ये कितना बेहतरीन है, क्या आपको इसमें अच्छा खासा लिस्टिंग गेन कितना का मिल सकता है, तो सारी चीजें उस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। होम फर्स्ट फाइनेंस आईपीओ का जो वीडियो आएगा उसे देखना मत भूलिएगा। उसके बाद आता है बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आया है, नेट प्रॉफिट फॉर्स क्या है 29% से, और यहाँ पर देख सकते हैं 29% से मतलब प्रॉफिट जो वो फॉल किया है, तो इसका क्या मतलब प्रभाव पड़ेगा शेयर के प्राइस पर, ये कल आपको देखने मिलेगा या आने वाले समय में देखने मिलेगा। और अभी तो रिजल्ट से पहले ये कंपनी का शेयर प्राइस जो है काफ़ी जंप किया, दो दिन में आप देखेंगे तो यहाँ से ये आ चुका था शेयर का प्राइस 4699 रुपीज़, और वहाँ से 6% अप है शेयर का प्राइस। तो कल कैसा रिस्पांस करता है बजाज फाइनेंस ये देखने मिलेगा, काफ़ी बेहतरीन शेयर है, अगर गिरावट में मिलता है तो आपको ज़रूर आप इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल देख सकते हैं 107,000% का रिटर्न दिया है इस 20 साल में इस कंपनी ने इन्वेस्टर को। वही बात करें बजाज फिनसर की, जो कि बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी है, इसका जो कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट है, इसका जो प्रॉफिट है 15% से राइज किया, और ये प्रॉफिट हो चुका है 1219 करोड़ का, और रेवेन्यू भी 10% से इंक्रीज हुआ है। तो बजाज फाइनेंस जहाँ प्रॉफिट फॉल किया है, वहीं इसकी पेरेंट कंपनी बजाज फिनसर की जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। तो दोस्तों ये काफ़ी बेहतरीन न्यूज़ है, जो भी बजाज फिनसर में इन्वेस्ट किए हैं, बजाज फिनसर भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है, लॉन्ग टर्म में देखिएगा काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। अगर हम बात करें 2008 के गिरावट से और अभी तक में रिटर्न, तो 8000% का रिटर्न लगभग दिया है, तो काफ़ी बेहतरीन है, ये पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस की। उसके बाद आलोक इंडस्ट्री, काफ़ी सारे मतलब इन्वेस्टर को इसका रिजल्ट का इंतजार था, तो दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट है आ चुका है, और इसका टोटल सेल्स जो हुआ है देखते हैं 1174 करोड़ का, और जो सेल्स है 42% से अप है,
मतलब 42% से सेल्स इंक्रीज हुआ है। वहीं नेट लॉस जो है कंपनी का 35 करोड़ है, लेकिन जो लॉस है वो काफ़ी मतलब घटा है। कितना से घटा है देखते हैं यहाँ पर। ये जो लॉस है मतलब प्रॉफिट की और जो हमारा ये धीरे धीरे जा रहा है आलोक इंडस्ट्री, उसमें 38.92% का ग्रोथ है। मतलब आलोक इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है उसमें 39% का ग्रोथ देख रहा है, लेकिन प्रॉफिट अभी भी लॉस में ही है। प्रॉफिट कंपनी को हुआ नहीं है, 35 करोड़ का लॉस है, जबकि पिछले साल काफ़ी मतलब 100 करोड़ से भी ज़्यादा का लॉस था। तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है इसमें। तो अभी भी आलोक इंडस्ट्री में आपको वेट करना पड़ेगा अच्छे प्राइस के लिए, अच्छे मतलब तेजी के लिए, क्योंकि कंपनी अभी भी लॉस में चल रही है। जब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आती तब तक आपको इसमें ज़्यादा कुछ खास तेजी देखने नहीं मिलेगा। तो वेट कीजिए, अगले क्वार्टर में हो सकता है कंपनी प्रॉफिट में आ जाए। वहीं फेडरल बैंक क्वार्टर थ्री प्रॉफिट जो है ड्रॉप्स हुआ है 8% से, देखते हैं 404 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो कि 8% कम है ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगर मतलब दिसंबर क्वार्टर फाइनेंशियल 20 का जो था, ये तो 21 फाइनेंशियल ईयर है, तो पिछले साल का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें दिसंबर क्वार्टर में जो प्रॉफिट हुआ उससे 8% कम है। साथ ही साथ प्रोविजंस जो है इंक्रीज हुआ है 2-fold, दोगुना प्रोविजन हो चुका है, तो जो कि कंपनी के लिए काफ़ी बैड है, मतलब काफ़ी बुरा है, जो कि शेयर होल्डर को काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट डालेगा, शेयर प्राइस में एक डाउनफॉल देखने मिल सकता है फेडरल बैंक के। वही बात करें अगला जो हमारा हिंदुस्तान जिंक, नेट सेल्स जो है 6,000 करोड़ का हुआ है और ये 29% का जंप हुआ है नेट सेल्स में। वही प्रॉफिट में भी जंप हुआ है, हिंदुस्तान जिंक का प्रॉफिट जो है 34% से जंप हुआ है, और ये प्रॉफिट जंप करके हो चुका है 2,173 करोड़ का। तो जो हिंदुस्तान जिंक है इसका प्रॉफिट भी जबरदस्त जंप हुआ और रेवेन्यू सेल्स भी काफ़ी जंप हुआ, 29% का सेल्स में जंप और 34% का प्रॉफिट में जंप। वहीं बात करें जो नेटवर्क 18 जो कि रिलायंस की ही एक कंपनी है, नेटवर्क 18 के भी क्वार्टर थ्री के रिजल्ट में प्रॉफिट में जो है 2-fold का जंप हुआ है और प्रॉफिट बढ़कर के हो चुका है 333 करोड़ का। जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है 333 करोड़ हो चुका है, जबकि ये मात्र 148 करोड़ था पिछले साल इसी फाइनेंशियल दिसंबर में। तो दिसंबर जो पिछले साल का फाइनेंशियल उससे प्रॉफिट दोगुना जंप हो चुका है, 333 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है कंपनी का, तो प्रॉफिट में काफ़ी जंप है। वहीं आप टाटा कम्युनिकेशन की बात करें, टाटा कम्युनिकेशन के भी प्रॉफिट में काफ़ी जंप हुआ है, ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है। जो टाटा ग्रुप है उसका स्टॉक है, देख सकते हैं यहाँ ये स्टॉक जो है पैंडमिक में मात्र 236 रुपये का हुआ करता था, वो स्टॉक हो चुका है 1000 रुपीज़ का। इसका भी रिजल्ट काफ़ी ज़बरदस्त आया है, यहाँ पर आप न्यूज़ सेक्शन में जब जाएंगे तो यहाँ देखिए टाटा कंपनी फॉल 8% डिस्पाइट 5-fold राइज इन क्वार्टर थ्री प्रॉफिट। क्वार्टर थ्री के प्रॉफिट में काफ़ी 5 गुना का जंप हुआ है, उसके बावजूद इसके शेयर के प्राइस में 8% की गिरावट देखने मिली। 8% का जो इसमें फॉल देखने मिला उसका कारण क्या है, तो जो गवर्नमेंट है इसमें एग्जिट करना चाहता है, मतलब गवर्नमेंट का इसमें स्टेक है जो कि इससे एग्जिट लेना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको हमेशा न्यूज़ पर ध्यान रखना चाहिए, ये सारी न्यूज़ है जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप इसमें इन्वेस्ट किए हैं। जैसे गवर्नमेंट इसमें टाटा कंपनी से एग्जिट होना चाहेंगे तो वो काफ़ी नीचे के प्राइस पर शेयर अपना बेच सकते हैं, तो इसलिए आपको शेयर के प्राइस में गिरावट देखने मिल रही है। वहीं अगला है हमारा IIFL लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। ये देखते हैं इसका कंपनी का जो चार्ट है, टेक्निकल चार्ट काफ़ी सॉलिड है और 2017 से अभी तक में 130% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। और वहीं न्यूज़ सेक्शन में जाइएगा तो आपको दिख जाएगा, ये भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। और ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, ICICI लोम्बार्ड का इसका जो नेट सेल्स है वो 7% से इंक्रीज हुआ है और इसका नेट सेल्स 451 करोड़ का हो चुका है, जो कि 7% अप है। और इसी तरह से और भी कई सारी कंपनियां हैं जिसके प्रॉफिट में और सेल्स में काफ़ी ग्रोथ हुआ है, उसमें से एक है टाटा स्टील। टाटा स्टील भी देखिएगा काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया इन्वेस्टर को, ये शेयर प्राइस पैंडमिक में मात्र 273 रुपये का था, जो कि अभी 687 रुपये का हो चुका है। तो ये स्टॉक जो है एक साइकिल प्रोसेस में चलता है, अप साइकिल डाउन साइकिल, तो हमेशा आपको जो है इसके बॉटम लाइन पे ही बाय करना है, मतलब बॉटम लाइन पे ही इन्वेस्ट करना है। जब शेयर का प्राइस अपने बॉटम पे है, मतलब काफ़ी नीचे के प्राइस पे है, उसी समय आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसका देखिए इसके सेल्स में कितना का जंप हुआ है, न्यूज़ सेक्शन में आपको जाना है किसी भी शेयर के, तो यहाँ पर देख लीजिए टाटा स्टील कंसोलिडेट दिसंबर 2000 नेट सेल्स RS 5,881 करोड़, जो कि 16% से अप है, तो 16% का सेल्स में जंप है। टाटा ग्रुप की कई सारी कंपनियां जिसके प्रॉफिट और सेल्स में काफ़ी ग्रोथ देखने मिला है,
तो वहीं अगला कंपनी हमारा सिट, इसके भी जो क्वार्टर के रिजल्ट है उसमें सेल्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है और ये भी शेयर प्राइस देखते हैं काफ़ी सालों से कंसोलिडेट हो रहा है, काफ़ी सालों से शेयर का प्राइस कंसोलिडेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि शेयर का प्राइस जो 2013 मात्र 104 रुपीज़ का हुआ करता था जो कि 2017 में हो चुका 2000 रुपीज़ का, काफ़ी ज़्यादा मतलब तेज़ी देखने मिला। तो अगले कई सालों तक ये शेयर प्राइस देख सकते हैं यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। इसके भी आप देखिएगा क्वार्टर के रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आए हैं और यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट सेक्शन में आप जाइएगा तो इसका जो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट है प्रॉफिट जंप हुआ है 167% से। ये एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सीट का जो टायर है आप कई सारे गाड़ियों में देखे होंगे और इसका प्रॉफिट जंप होकर के हो गया 128 करोड़ का जो कि 167% का जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन ये सारे स्टॉक्स है जिसके प्रॉफिट में काफ़ी जंप हुआ है, तो आने वाले समय में आपको इन सभी स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी देखने मिलेगा। और वहीं जो फेडरल बैंक है उसके प्रॉफिट में डिक्रीज हुआ है, प्रोविजंस में इंक्रीज हुआ है, आलोक इंडस्ट्री इसके भी लॉस जो है अभी कंपनी का कम हुआ है। उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको ₹20 पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है और इंट्राडे में सिर्फ ₹20 पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।